बात छोड़िए, आपको क्या हो गया है? खालिद भाई, अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खालिद को शिकायत का मौका ना दूं। शाबाश बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। तुम्हारा घर आबाद रहेगा, तुम खुश रहोगी, तो मेरे दिल को भी तो चैन आएगा ना। अच्छा, तो इसीलिए आपने सारे को वहाँ छोड़ा हुआ है ताकि वो अहमद अंकल की नज़रों से दूर रहे। बिल्कुल, अरे यहाँ रहती है ना तो इतना लाड करते हैं कि मेरा दिल सड़ता है। सारा, मैं अपना और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। क्या फैज़िया, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे बदन पे चारा कर दिल ही तो है। इतनी देर करती है, ऐसा होता नहीं है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है मम्मा। उनकी तबीयत वैसे ही इतनी खराब थी, ऊपर से उनके सर का दर्द। अरे तुम्हें ऐसी ही परेशानी हो रही है? पता है प्राइवेट अस्पताल में कितना खर्चा होता है? सरकारी अस्पताल होता ना, 10 रुपए की गोली देते हैं। यहाँ पे वही 10 रुपए की गोली 200 रुपए में बेचते हैं और लंबा रखते हैं ताकि बिल बहुत बड़ा आए। मुझे तो उनके सर के दर्द की बहुत फिक्र है, ऐसा ना हो कि उनके सर के दर्द की वजह से ही देर हो रही हो। अरे तुम हो सरकारी अस्पताल की पैदाइश, तुम और सैरिश। महविश थी प्राइवेट अस्पताल की पैदाइश। पता नहीं तुम्हारे बाप को क्या दौरा पड़ा था, पहली औलाद थी ना इसलिए प्राइवेट अस्पताल ले गया। वहाँ अभी महविश ने ना दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। कितना लंबा बिल बना था हमारा, अरे तोबा तोबा, कितनी मुश्किल से हमने उधर बिल भरा था, तब जाके महविश और मैं घर आए थे वापस। आप लोग मिसेस महविश खालिद के साथ हैं? जी जी, मैं महविश की माँ हूँ। वो ठीक तो है ना? देखिए, उनका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो रिकवर कर रही हैं। आप लोगों को मुबारक हो, महविश को बेटी हुई है। महविश बाजी को बेटी हुई है? हाँ, तो अगर बेटा हो जाता तो क्या होता, और खुशी होती हमें। डॉक्टर साहब, हम क्या महविश से मिल सकते हैं? अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी महविश और उनकी बेटी दोनों ऑब्जर्वेशन में हैं। जैसे ही मुलाकात मुमकिन होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मामा, महविश बाजी को बेटी हुई है, मैं खाला और आप नानी बन गई। अरे चुप करो, खालिद ने तो बेटे की रट लगाई हुई थी, इसको कौन संभालेगा? खालिद, मुबारक हो, बेटी हुई है तुम्हें। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई कारनामा तो नहीं है। बेटी हुई है ना, बेटा तो नहीं हुआ। खुशी का मौका है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कैसी बातें कर रही हो? परेशान नहीं होंगी तो क्या करूंगी, नाचूंगी इधर मैं? अरे बच्ची बीमार, दामाद बेजार, ऊपर से इसने जाके एक बेटी पैदा कर ली है। देखो देखो उसकी शक्ल कैसे लटकी हुई है। और ये जो डॉक्टर है ना, इतनी लंबी लिस्ट दे दी है टेस्टों की, पता नहीं इस लड़की को क्या बीमारी है, समझ नहीं आ रही मुझे। अब ये महविश भाई जी के बस में तो नहीं है ना कि लड़का होगा या लड़की, ये बात तो समझनी चाहिए खालिद भाई को। इसे समझनी चाहिए, पहले कभी कुछ समझा है कि अब ये समझेगा? ये तो यही ड्रामा करेगा, जितनी नाराजगी दिखाएगा ना इसके लिए फायदे में रहेगा। क्यों नाराजगी दिखा रहे? क्योंकि जितनी नाराजगी दिखाएगा उतना ही मोटा लिफाफा दूंगी ना मैं इसे खुश रखने के लिए, समझा करो तुम। नहीं नहीं खालिद भाई ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, खालिद भाई ऐसा नहीं करेंगे। पहले क्या क्या नहीं किया इस शख्स ने कि ये नहीं करेगा। ईमान से तुम भी बड़ी मासूम हो। अरे माँ तो डूबे नसीब लेके पैदा हुई थी। बस अब तो मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि जो पैदा हुई है ना बेहतर नसीब लेके आई हो। क्या पता क्या होगा अब। अरे 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 लाओ भाई लाओ, मुझे दो, मुझे दे दो। महविश कहाँ है? वो सो रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी तो उसको बाहर ले आई। परेशान हो रही थी? अरे खालिद भाई बहुत मुश्किल से सोई है, फिर से रोना ना शुरू कर दे। कभी हमारा भी इतना ख्याल रख लिया करो जितना इसका रखती हो। एक्सक्यूज़ मी। देखा देखा तुम्हारी अभी तक गलतफहमी दूर नहीं हुई। प्लीज कितना अच्छा मौसम है ना? हाँ, वेरी गुड। सुने, मैं एक बात सोच रही थी, खानदान में पहली बार औलाद हुई है तो क्यों ना हम माविश और खालिद को कोई अच्छा सा तोहफा दे दें। मगर मैंने और तुमने तो खालिद और माविश को दिए हैं। अरे 10,000 रुपए और एक सोने का कंगन। अब 10,000 रुपए कहाँ जाते हैं आजकल के ज़माने में। तो तुम क्या चाह रही हो? देखे ना, आपको तो पता है कि खालिद बेचारा आजकल बड़ा परेशान है। क्यों ना हम उसे कोई रकम दे दें और वो इसी बहाने ले भी लेगा अगर हम कहें कि बच्ची अपने नसीब के साथ लाई है। कितना देना चाह रही हो? ज़्यादा नहीं, सिर्फ कोई 5-10 लाख रुपए। 5-10 लाख रुपए? अरे अहमद अली, आपके लिए 5-10 लाख रुपए क्या चीज़ है। क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मेरी एक फाइल नहीं मिल रही, बहुत अहम। यहीं रखी होगी, कहाँ जा सकती है? यहीं है मगर मिल नहीं रही और मुझे ज़रूरत है। क्या हुआ खालिद भाई? फाइल नहीं मिल रही मेरी। कौन सी फाइल? प्लॉट के पेपर्स हैं। ये वाली फाइल तो नहीं? अरे यही तो है। थैंक्स। वेलकम। बीमार बेवकूफ बीवी से सेहतमंद अक्लमंद साली बेहतर है। हेलो फैजी, कैसे हो? ठीक हूँ। कैसे याद किए? तुम्हें याद करने के लिए मुझे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। हम कज़न्स हैं। सारा से तुम्हारा जो भी रिश्ता था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा और तुम्हारा ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। मगर रिश्तों के साथ इंसान भी तो टूटते और बनते हैं। फैजी प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारी ये हालत देख के। यहाँ सारा को तो कुछ सारा को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उसे, बिल्कुल ठीक है वो, उदास भी नहीं है। तुम क्यों रोग लगाए बैठे हो फिर? खुश रहा करो, उसकी फिक्र मत करो। हाँ, उसकी फिक्र करने वाले तो बहुत होंगे। तो तुम भी जल्दी से ढूंढ लो ना कोई फिक्र करने वाली, और सबसे पहले मुझे बताना। अभी कुछ वक्त लगेगा दिल को मनाने में। तो जल्दी से मनाओ भाई। वैसे भी तुम्हारी शादी में सबसे ज़्यादा तैयारी तो मुझे करनी होगी ना। पता है फैजी, मुझे लगता है सारा यही चाहती थी। मैं क्या कह सकता हूँ? दिल ही तो है ना संग ख़िश्त। फैजी, अगर आपको मुझसे कभी मोहब्बत थी नहीं तो फिर वो सब क्या था? दर्द से भरना क्यों? ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे बज़ाहिर तो सब संभला हुआ है, ठहरा हुआ है, ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे संभले हुए समंदर के अंदर एक तूफान छुपा हुआ है सुल्ताना की आंखों में। सुल्ताना की आंखों में, सुल्ताना की बेटियों की आंखों में मुझे एक सवाल, एक जस्तजू, शायद चालाकी क्यों नजर आती है? और फिर सारा की खामोशी, उसकी आंखें भी जैसे मुझे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन अब तो सारा भी मुझसे ना कुछ कहती है और ना ही मेरे सामने आती है। जब तक जुबैदा थी कभी ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी जैसे नजर आती थी वैसे ही थी, मगर अब एक डर सा, एक खौफ सा जो हमेशा छाया रहता है, पीछे ही नहीं छोड़ता। दिल ही तो है न संगो ख़िश्त, दर्द से भरना क्यों? रोएंगे हम। मैं बहुत परेशान हूँ असलम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। 3 दिन हो गए अहमद भाई की तबीयत ख़राब है, रंग फक हो गया है, होंठ नीले पड़े में, चेहरा जर्द हो गया। मजाल है जो इस औरत ने एक बार भी कहा हो कि डॉक्टर के पास चलो। लेकिन साहब खुद क्यों नहीं चले जाते? अरे अहमद भाई शुरू से ही ऐसे हैं ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनकी अम्मी को। डांट डांट के अहमद भाई के मुंह में दवाई उंडेलती थी ज़बरदस्ती। फिर जुबैदा भाभी साल में 3-4 बार तो डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाती थी चेकअप करने को। उनको छींक भी आती थी ना तो फ़ौरन भागती थी डॉक्टर के पास कि चलें चेकअप करके आए। और 3 रोज से यहाँ रंग बिल्कुल सर्द हो गया है, मगर कोई हाल हवाल पूछने वाला नहीं है उनका। बुआ मुझे तो तुम अभी बता रही हो, वरना जिस तरीके से ये गाड़ी में घूम रही होती है ना बेगम साहबा और बेटियाँ, उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि इस घर में कोई इतना सख्त बीमार है। बस अल्लाह करे आज की रात खैरियत से गुजर जाए, सुबह चाहे मुझे ये घर सर पर उठाना पड़े। मैं नूरी बाजी और सारे रिश्तेदारों को ना यहाँ जमा करूँगी, अहमद भाई को जरूर अस्पताल लेके जाऊंगी, तू देख लेना। अरे जल्दी जल्दी बना के दे दो। मम्मा, अगर अंकल की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ उन्हें, तुम्हें तो पता है दोनों हाथों से खाना खाते हैं, हाजमे की तकलीफ है, कुछ नहीं। सब्ज़ चाय दे दो, ठीक हो जाएंगे। हाँ लेकिन उनको तो हार्ट का प्रॉब्लम है, ऊपर से वो ब्लड प्रेशर की दवा भी लेते हैं, इसलिए कह रही हूँ। बेटा वो सब बीमारियाँ मेरी बहन लगा के गई हैं उन्हें। एक तो पहले अपनी शक्ल लगा के फिरती थी सब जगह, फिर बीमार, ऊपर से इनको बीमार कर दिया है। कुछ नहीं होता, सब चाय दे दो, मैं बैल्कनी के 10 चक्कर लगवाऊंगी ना, खुद ही ठीक हो जाएंगे। समझो मेरी बात तुम, चलो जल्दी करो। माँ वीना, अहमद अहमद अली, अहमद अली, बाजी अहमद साहब ना बहुत अच्छा आदमी था और बहुत गरीबों की मदद करता था। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो दे देता था। आप सब्र करो, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। सारा बीबी कहाँ है? इधर ही कहीं होगी घर में। मनहूस पहले अपनी माँ को खा गई और फिर बाप को, उसी की वजह से तो वो परेशान रहा करते थे। अपना घर तो बसा नहीं सकी, मेरा उजाड़ के छोड़ दिया उसने। ऊपर बैठ के मोटे मोटे आंसू बहा रही होगी। लो आ गई फितना फसाद की जड़। इसने भी तय कर रखा है कि वो इस घर में तभी आएगी जब कोई फौतगी होगी। सब्र करो सुल्ताना, ये सब बातें इंसान के इख्तियार में कहाँ होती हैं। इंसान तो बस सब्र ही कर सकता है। सारा कहाँ है सुल्ताना? कहाँ होगी, ऊपर बैठी होगी, मोबाइल पे सेल्फी बना रही होगी अपनी। दो बेटा सारा, फैजी तुमसे बात करेगा। नहीं मैं अभी आती हूँ। वसीयत वो उन्होंने कब लिखवाई? वो अहमद भाई ने सुल्ताना भाभी की शादी के बाद मुझसे बनवाई थी और वो अभी तक मेरे पास रखी है। लेकिन आपने उनको बड़ी तकलीफ दी और आपके यहाँ अफसोस करने से ना वो वापस नहीं आ जाएंगे हमारे पास। कैसी बातें कर रही हो तुम सुल्ताना? वो बातें कर रही हूँ जो मुझे तब करनी चाहिए थी जब वो जिंदा थे। सारा मेरी जान, सब्र देखो, अल्लाह मियाँ अपने उन्हीं बंदों को आजमाइश में डालते हैं जो उस आजमाइश पे पूरे उतरते हैं। बस बस कर। नसीब जी खाना खाया इसने? नहीं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सारा मेरा बच्चा, खाना खाओगी ना? नहीं मुझे भूख नहीं है। नसीब तुम ऐसा करो कि हम दोनों के लिए खाना लगा दो, मैं अपनी बच्ची के साथ ही खाना खाऊंगी। जी बेहतर। हाँ बेटा फैजी कैसे हो? हाँ यहीं बैठी है मेरे पास। बात करोगे? देखते हैं। दो बेटा सारा, फैजी तुमसे बात करेगा। नहीं, मैं अभी आती हूँ। फैजी बेटा, वो सारा इस वक्त कुछ अपसेट है ना बेटा। ओ असलम, अरे असलम। जी बुआ, आ रहा हूँ बुआ। जी कहाँ रह जाता है तू? अरे मेहमानों को पानी पिला रहा था। हाँ, मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है, तू जरा मेहमानों को देख ले अच्छी तरह से। मैंने टेबल पे चाय, कॉफ़ी, जूस, बिस्किट वगैरह सब रख दिया है, बस तू मेहमानों से पूछ और उन्हें देता चला जा। ठीक है बुआ, मैं कर देता हूँ। बाहर मर्दों में तो मैं देख ही लूँगा, लतीफ़ भाई भी हैं, खालिद भाई भी देख लेंगे। अंदर औरतों में कौन देख रहा है मेहमानों को? मैं देख रही हूँ, और कौन देखेगा। इन माँ बेटियों को तो ड्रामा करने से फुर्सत नहीं है। लिख कर ले ले, जो जरा सा भी अफसोस हुआ हो इस औरत को अहमद भाई की मौत का। बड़ी मुश्किल से चंद कतरे निकले होंगे आंसू। दोनों आंखों के डल्ले निचोड़ कर भी देखो ना तो कतरा नहीं निकलेगा। और बेटियां रंग बिरंगे कपड़े पहन के ऊपर से नीचे कलाबाजियां खा रही हैं। तौबा तौबा, जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये लोग इस घर पे मुसल्लत हो गई, बर्बाद करके रख दिया इस घर को। क्या तुम मेहमानों को देख ले? ठीक है बुआ। सिद्वर, तुम्हें पता है कौन आया? कौन? गैस तो करो। अरे इतने लोग आ जा रहे हैं, मुझे क्या पता, कोई भी होगा। तुम तो बिल्कुल पागल हो। अब बता भी दो। नूरी आंटी आई हैं। सच बताओ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? यकीन नहीं आया तो खुद जाकर देख लो। उनको बताया किसने? पता नहीं, हम में से किसी ने बताया। हो सकता है अखबार में इश्तहार देख कर आई हूँ। वैसे उनकी कंपनी ने अखबार में भी तो इश्तहार दिए। मम्मा से मिली? उफल्ला सिद्वत, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हो? जाकर खुद देख लियो ना कि मिली या नहीं मिली। मिली तो होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले, है ना? उफल्ला, बिल्कुल ही पागल हो तुम तो। आओ अब। सुल्ताना, अल्लाह तुम्हें सब्र और हौसला अता करे। अब तुम्ही को इस घर को आगे लेके चलना है। हिम्मत से काम लो, इसके अलावा इंसान कह ही क्या सकता है? और कहने को रह गया है कुछ? मेरा मतलब है आपने इस घर को एक तमाशा बना के छोड़ दिया। आप ही की बातों की वजह से तो इतने परेशान रहा करते थे। आप ही की बातें उनके दिल को लगी। हमारे सर से तो साया चला गया ना। तो एहसास ही नहीं आपने किया क्या हमारे साथ? सुल्ताना, ये वक्त पुरानी बातों को दोहराने का नहीं है। मुझे भी अहमद भाई के जाने का उतना ही अफसोस है जितना तुम्हें या सारा को। मैं तो उनको कभी भी तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती थी। आपकी बड़ी नवाजिश है कि आप हमें तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन आपने उनको बड़ी तकलीफ दी। और आप यहाँ अफसोस करने से ना वो वापस नहीं आ जाएंगे हमारे पास। कैसी बातें कर रही हो तुम सुल्ताना? वो बातें कर रही हूँ जो मुझे तब करनी चाहिए थी जब वो जिंदा थे। आपकी वजह से मेरा सुहाग लुट गया है मुझसे। मेरी बच्चों के सर से बाप का साया चला गया है। यहाँ आके दो प्यार भरे अल्फाज कह के ना मेरा सुहाग वापस आएगा, ना मेरी बच्चों के सर पे साया वापस आएगा। हाय अहमद अली, किन लोगों के बीच छोड़ के चले गए आप हमें। अच्छा खालिद, सब्र करो। नहीं रिजवान भाई, यकीन नहीं आता कि अहमद भाई नहीं रहे। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी जब खबर मिली तो मैं भी शौक में रह गया था। मुझे तो उनकी पुरानी बातें याद आती हैं। आपने तो बहुत वक्त साथ गुजारा है। हाँ, बहुत शानदार वक्त साथ गुजरा है। पता नहीं सारा बेटी पर क्या गुजरती होगी। अभी तक तो वो अपनी माँ के गम से बाहर नहीं निकली थी। उसका तो रो रो के बुरा हाल है। आप मिल लीजिए ना उससे। हाँ, आऊँगा, मगर अभी नहीं, चंद दिनों के बाद आऊँगा। चंद दिनों बाद? क्यों? अहमद अली भाई की वसीयत मेरे पास है, वो भाभी को लौटानी है। अब जिसकी अमानत है वो उसे लौटानी तो है ना। वसीयत वो उन्होंने कब लिखवाई? वो अहमद भाई ने सुल्ताना भाभी की शादी के बाद मुझसे बनवाई थी और वो अभी तक मेरे पास रखी है। चलें, फिर चंद दिनों बाद मुलाकात होगी। अब अहमद भाई ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, आप जल्द निभाइएगा। हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। वसीयत? अहमद भाई आप तो बड़े घाट आदमी निकले, वसीयत भी लिखवा ली। बाबा की इस तरह अचानक डेथ हो जाएगी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अब सब्र करो, सब्र के अलावा हम लोग अब कर भी क्या सकते हैं? जब से तुम मुझसे बात कर रही हो, रोए जा रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? डेथ मेरे बाबा की हुई है, सर से साया हमारे उठाए, और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे काफ़ी अच्छे आदमी होंगे तुम्हारे डैडी। काफ़ी रश था तुम्हारे घर के बाहर गाड़ियों का। क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे घर के बाहर गाड़ियों का रश था और लोगों का? वो फेसबुक पे स्टेटस डाला होगा, या पता नहीं, शायद मैंने कोई कमेंट पढ़ा। मैंने फेसबुक पे कोई स्टेटस नहीं लगाया और ना ही कोई कमेंट किया, समझ आई? चलो सब्र करना, होप कि हम जल्दी मिलें। मैं कल फ़ोन करूँगा। ओके बाय। ओके बाय। ये मेरी जासूसी कर रहा है। बुआ, ये पूरे घर में इतनी गहमा गहमी क्यों है? चंद दिनों से बेगम साहबा जाती हैं, हाथ में डायरी होती है, डायरी में कुछ पत्ते, पत्ते पर पहले मकान, दुकान और फ्लैट को ढूंढती हैं और फिर बाहर से या अंदर जाकर उनका इंस्पेक्शन करती हैं। और तो और अक्सर तो खालिद भाई भी उनके साथ होते हैं, या फिर दोनों वहीं मिल लेते हैं। देख ले, अभी तो अहमद भाई का कफन तक मैला नहीं हुआ है और इन लोगों ने जायदाद, बैंक बैलेंस सब इकट्ठी करना शुरू कर दी है, उनकी फहरिस्तें बना रही हैं। जाने क्या होगा। देख लेना, लाहौर और इस्लामाबाद के भी चक्कर लगाएंगी, वहाँ की भी जायदाद इकट्ठी करेगी, उसकी भी फहरिस्त बनाएगी है। वकील साहब आने वाले हैं ना अहमद भाई की वसीयत लेकर, ये उससे पहले ही सारी जायदाद इकट्ठी करना चाह रही है। मगर बुआ, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ना, हमारे साहब समझदार आदमी थे। सुल्ताना बेगम और उनकी बेटियों को अच्छी तरीके से पहचान लिया होगा उन्होंने, काम पक्का किया होगा। अगर सब कुछ ही सुल्ताना बेगम साहबा को दे देना होता ना, तो ये जो लिस्ट बनाई है वो और खालिद भाई, अहमद अली मरहूम अपने हाथों से वो लिस्ट अपनी नई नवेली बेवा को देकर जाते। हाँ, शायद तो ठीक ही कहता है। देख क्या होता है, वकील साहब आने वाले हैं आजकल में ही, खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि सारा का पावर ऑफ अटॉर्नी पढ़ने के बाद हो सकता है इन चीज़ों पे भी फातिहा पढ़ने की बारी आ जाए। तुम्हारे मुंह में जो आता है ना, तुम बके जाते हो। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी हुकूमत ज़्यादा देर रहने वाली तो है नहीं। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो सारा। फैजी से और उसकी अम्मी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। वसीयत के मुताबिक अहमद भाई की तमाम प्रॉपर्टी बशमूल ये घर सारा के नाम होगा और सारा ही तमाम बिजनेस की कानूनी वारिस होंगी। अच्छा अच्छा, खबर तो पक्की है ना? हाँ, चलो फिर मैं ये क़यामत तोड़ ही देता हूँ। चलो खुदा हाफिज़। क्या हुआ? खबर तो पक्की है, थोड़े दिन इंतज़ार कर लें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। क्या वो सारा के नाम सब कुछ छोड़ के चला गया है? मैं बता तो रहा हूँ आपको। सोचने की बात यह है कि उन्होंने ये सब कुछ किया तो आपसे छुपाया क्यों? अरे उसे पता था ना, मुझे पता चलेगा तो मैं शोर मचाऊंगी। वैसे कमाल है, इतने कम अरसे में मुझे जान गया वो। जान नहीं गए, पहचान गए। आखिर उन्होंने इतनी दुनिया देखी है। जानते होंगे कि इंसान और लुटेरे में क्या फ़र्क है। क्या आप बके जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बकेगा तो उनका वकील। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा मशवरा मानेंगी आप? क्या? मैं तो कहता हूँ जितनी चीज़ें हैं ना, उन्हें अच्छी तरह देखभाल लें, और जितना रोना है इन चीज़ों को देख के रो लें, क्योंकि सारा का पावर ऑफ अटॉर्नी पढ़ने के बाद हो सकता है इन चीज़ों पे भी फातिहा पढ़ने की बारी आ जाए। तुम्हारे मुंह में जो आता है ना, तुम बके जाते हो। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी हुकूमत ज़्यादा देर रहने वाली तो है नहीं। बेहतर यही है कि यहाँ से निकलने का मूड बना ही लें। सारा, अब बस भी करो, इस तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब भी किसी से प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है। अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगी, ना किसी को खुद से प्यार करने दूँगी। ऐसी बातें नहीं करते सारा। मम्मी डैडी जब जिसकी मुझे ज़रूरत होती है वो मुझे छोड़ के बहुत दूर चले जाता है, फैजी भी। सारा, तुम्हें एटलीस्ट फैजी से तो बात करनी चाहिए। कितना परेशान हो रहा होगा वो तुम्हारे लिए। कोई ज़रूरत नहीं है उसे गलत मशवरे देने की सारा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें फैजी से बात करने की, ना ही उसकी अम्मी से। उन्होंने खालू को और तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। तुम तो चुप ही रहो सितवत। क्यों? उनकी वजह से हार्ट फेल नहीं हुआ खालू का? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान का इसमें क्या दखल। तुम ये बातें छोड़ के अपनी बेटी की फिक्र करो। बहुत देर से रो रही है वो, भूख लगी है शायद उसे। अभी किसके पास है? अम्मी के पास है, बुला रही हैं तुम्हें, जाओ। सारा, तुम खुद को संभालो प्लीज़, अब मत रो। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। और तुम भी इसको गलत मशवरा मत देना। अब बिल्कुल ठीक सोच रही हो सारा। फैजी से और उसकी अम्मी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। उनको भी पता चले कि सारा कोई कांच की गुड़िया नहीं, एक मजबूत लड़की है जो अपने फैसले खुद कर सकती है। मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी अमानत लाने में कुछ दिन लग गए। कुछ दिन कहाँ रिजवान साहब, आपने तो हफ्तों लगा दिए। खालिद, रिजवान भाई को बात करने दो ना। रिजवान भाई बताएं, वसीयत में क्या लिखा हुआ है? भाभी, मैं तो सिर्फ वसीयत देने आया था, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। सुल्ताना बाजी कहाँ पूरी वसीयत पढ़ेंगी, आप खुद ही सुना दीजिए। बाजी अंग्रेजी में है। हाँ हाँ, आप ही सुना दीजिए। जैसे आपकी मर्जी, मैं चीदा चीदा चीज़ें बता देता हूँ। वसीयत के मुताबिक अहमद भाई की तमाम प्रॉपर्टी बशमूल ये घर सारा के नाम होगा, और सारा ही तमाम बिजनेस की कानूनी वारिस होंगी। घर और बैंक में रखे हुए तमाम जेवरात और अहमद भाई के पर्सनल अकाउंट में रखे हुए 25 लाख रुपए सुल्ताना भाभी के नाम होंगे। बस? और वो इस्लामाबाद वाला प्लॉट? जी जी, वो भी सारा के नाम होगा। और लाहौर की दुकानें और फ्लैट? मैंने कहा ना भाभी, अहमद भाई की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं लाहौर में, कराची में, डिफेंस की तमाम दुकानें और शॉप्स, वो तमाम की तमाम सारा के नाम होंगी। क्या खालिद सड़क पे छोड़ के चला गया है मुझे और मेरी बच्चों को वो शख्स? नहीं नहीं भाभी, वसीयत के मुताबिक आप और आपकी बेटियां जब तक सारा की शादी नहीं होती इस घर में रह सकती हैं। और उसके बाद? उसके बाद सारा की मर्जी, वो आपको अपने साथ रखे या ना रखे। क्या कह रही हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। कुछ भी नहीं छोड़ा, बस बैंक में जो 25 लाख रुपए हैं और कुछ जेवरात। तो जेवरात कितने तक के होंगे? अरे चुप करो, तुमने तो हिसाब लगाना शुरू कर दिया। तौबा, मैं अगर वो 25 लाख रुपए और सारे जेवरात मिला भी दूं ना तो कुछ नहीं मिलने वाला हमें। इस जैसा महल सा घर नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ कोई घटिया सा 2 कमरे का फ्लैट मिल जाएगा। अरे अहमद अली मुझे बांदी बना के इस घर में लाए थे क्या? मम्मा प्लीज आप परेशान मत हो। परेशान मत हूँ? ये वसीयत तो सुन के मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? खैर मुझे अभी अकेला छोड़ दो, तुम जाओ इस कमरे से। मम्मा मेरी बात तो सुने। अरे चुप करो ना, मैंने कहा ना सोचने दो मुझे, चली जाओ अभी। अरे सुल्ताना सोच, जल्दी सोच क्या करना है, यहाँ पे तो कबाड़ा मच जाएगा।